देखो अगला है वर्गों की अंतर की सर्वसमिकाएं, वर्गों की अंतर की सर्वसमिकाएं। अंतर का मतलब घटा होता है, अंतर का मतलब क्या होता है? घटा। अंतर का मतलब घटा होता है। तो अगला तुम्हारा सूत्र है, इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। यह सूत्र है, यह क्या है? सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। यह फॉर्मूला है, चलो इसे भी साबित करते हैं। पूछेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसे भी प्रूव करते हैं। तो एल एच एस हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, प्रूव कर रहे हैं ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर। अब बोलो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है बी बटे, तो कोस का उल्टा होता है ना, जब कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो इसका होगा एच बटे बी। एच बटे क्या होगा? एच बटे बी का होल स्क्वायर दे दिए ने, इसका बोलो टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी के पावर, बोलो अलग अलग कर देंगे दोनों को, पावर एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, दोनों के पावर कितना है? दो। अलग कर दिए, ठीक है ने, माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम बोलो, बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से भाग देंगे, बी स्क्वायर में एक बार में एक गुना करेंगे एच स्क्वायर के साथ, माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे बी स्क्वायर में एक बार में एक गुने क्या, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर बटे कितना बार में, एक बार में आर एच एस, आर एच एस, आर एच।